बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है जी, ये है सेकंड ईयर की अकाउंटिंग के हवाले से। और इसमें मैं आपको तीसरा जो चैप्टर है कंसाइनमेंट का, इसके हवाले से मैं कुछ थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। ये कंप्लीट चैप्टर है, इसकी साइनॉप्सिस है, और इसी के ऊपर हमने कंप्लीट एक वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, और जिसमें आपको सारी डिटेल जो है इन चीज़ों की मिलेगी। मैं मुख्तसर सा बताता चला जाऊंगा कि इस पूरे चैप्टर में है क्या कुछ, यानी पूरे चैप्टर में इसमें आपकी थ्योरी कवर होगी, इसके अंदर आपके एमसीक्यूज़ कवर होंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन कवर होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कवर होंगे, सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला इसका जो पॉइंट है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस, यानी कंसाइनमेंट के बारे में यहाँ बेसिक बताया गया है कि इनफैक्ट ये है क्या। अब इसमें जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डेफिनेशन में डिस्कस करना है, उसमें हम देखेंगे कंसाइनमेंट क्या है, कंसाइनर कौन होता है, कंसाइनी कौन होता है, कंसाइनमेंट आउटवर्ड क्या है, कंसाइनमेंट इनवर्ड क्या है, कंसाइनमेंट आउटवर्ड बुक या कंसाइनमेंट आउटवर्ड जर्नल क्या होता है, कंसाइनमेंट इनवर्ड बुक या कंसाइनमेंट इनवर्ड जर्नल क्या होता है, कंसाइनमेंट और सेल में डिफरेंस क्या है, और अकाउंट सेल क्या होती है, परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, नॉर्मल लॉस क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट है, एबनॉर्मल लॉस क्या है, क्या ट्रीटमेंट है, डॉक्यूमेंट्री बिल जो है कंसाइनमेंट में किसे कहा जाता है, और उसके बाद कमीशन, कमीशन इटसेल्फ जो है वो क्या चीज़ है, और इसकी जो तीन तरह का कमीशन होता है यहाँ पे जो हमें डील करना होगा प्रॉब्लम्स के अंदर, एक होगा नॉर्मल कमीशन, एक डेल क्रेडरी कमीशन होगा, एक ओवरराइडिंग कमीशन होगा। ये तीनों को हम यहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद तीसरे नंबर पे अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर से मुराद है कि जो कंसाइनर है वो अपनी बुक में कौन सी अकाउंट्स बनाएगा। तीन किस्म के अकाउंट्स वो बनाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा, कंसाइनी अकाउंट बनाएगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा। चौथे नंबर पर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी वैसे दो तरह के अकाउंट्स बनाता है जिसमें हमें गर्ज सिर्फ इस पहले वाले से है, बाकी ये इसके साथ हमें कोई गर्ज नहीं है। दो अकाउंट बनाएगा कंसाइनी, एक कंसाइनर का अकाउंट और एक अपने पर्सनल बिजनेस के जो अकाउंट होंगे, क्योंकि वो भी उसका भी एक कारोबार है, बिजनेस है, तो वो भी अपना प्रॉफिट लॉस देखना चाहता है, तो ये उसके अपने अकाउंट्स होंगे, इसके साथ हमें गर्ज नहीं है, इसके साथ गर्ज होगी। उसके बाद नंबर फाइव है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कि कंसाइनर अपने पास क्या क्या एंट्री पास करेगा। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, 9 11 ये पॉइंट टोटल हैं जो कि इसके हम एंट्रीज देखेंगे, कि सेंडिंग ऑफ गुड्स, जब चीज़ें सेंड करता है कंसाइनर तो क्या एंट्री पास करेगा, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, अगर कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किए हैं तो क्या एंट्री पास करेगा, रिसीविंग एडवांस फ्रॉम कंसाइनी, अगर उसने कंसाइनी से एडवांस लिया है तो क्या एंट्री पास करेगा, फॉर डॉक्यूमेंट्री बिल ड्रॉन, अगर कंसाइनर ने बिल ड्रॉ किया है, डॉक्यूमेंट्री बिल ड्रॉ किया है उसकी, वो क्या एंट्री पास करेगा, सेल ऑफ द गुड्स बाय कंसाइनी, अगर कंसाइनी ने चीज़ें को बेच दिया है तो उसकी एंट्री क्या होगी, फॉर एक्सपेंसिस पेड बाय कंसाइनी, अगर एक्सपेंस उसने पे किया है तो उसकी एंट्री क्या। सिमिलर आपके पास जो बाकी हैं जी, इसमें ये सारी एंट्रीज यहाँ पे दी गई हैं, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, क्लोजिंग स्टॉक, कमीशन ऑफ कंसाइनी, बैड डेट्स की, अगर डेल क्रेडिटरी कमीशन उसको नहीं मिल रहा तो एंट्री क्या होगी, अगर बैड डेट्स होते हैं और उसको डेल क्रेडिटरी कमीशन मिल रहा है तो क्या होगा, फॉर रिसीविंग द फाइनल पेमेंट, जब वो कंसाइनी कंसाइनर को फाइनल पेमेंट सेंड कर देता है तो उसकी क्या एंट्री होगी, और यही केसेस हम देखेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी के, यही केसेस हैं, लेकिन इनमें यानी वही सेम यहाँ पे केसेस आ रहे हैं, सेंडिंग ऑफ गुड्स में, एक्सपेंसिव पेड बाय कंसाइनर, पेइंग एडवांस, वो ये रिसीव करा था तो ये एडवांस पे कर रहा है, उस पर डॉक्यूमेंट्री बिल ड्रॉ हुआ है तो इसने डॉक्यूमेंट्री बिल एक्सेप्ट किया है, इसने सेल किया है चीज़ों की तो उसके अकॉर्डिंगली, और एक्सपेंस अगर कंसाइनी ने पे किए हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, और क्लोजिंग स्टॉक की, कमीशन की, बैड डेट्स की, और फाइनल पेमेंट सेंड करने की। उसके बाद हम सातवें नंबर पे इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको मैं बता दूं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर तीन तरह की प्रॉब्लम्स दी गई हैं, एक क्लोजिंग स्टॉक केस है, एक बैड डेट्स का केस है, और एक लॉस ऑफ स्टॉक केस है। क्लोजिंग स्टॉक केस से ये मुराद है कि आपको चीज़ें सेंड की गई, अब उसमें सारी की सारी बिक गई हैं, मतलब कोई भी क्लोजिंग स्टॉक एंड पे नहीं बचा, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कुछ बच गया, 100 यूनिट भेजे गए, 80 बिक गए, 20 बच गए, अब ये क्लोजिंग स्टॉक बच गया, अगर इस तरह का आ गया तो उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, ये आपका पहला केस है जिस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद होंगी। उसके बाद बैड डेट्स का केस आएगा। बैड डेट्स होते हैं कि जब उधार पर चीज़ें यानी क्रेडिट पर चीज़ों को सेल किया जाता है तो उसमें आपके बैड डेट्स होंगे। अब बैड डेट्स अगर होते हैं तो कंसाइनी को तो आपको पता है कमीशन मिलना है सेल पर, तो
तो अब वो क्या कह सकता है कि वो अपना कमीशन तो ले लेगा, हो सकता है बाद में पैसे मिले ना मिले। तो इसमें लॉस असल में कंसाइनर का है, वो फिर उसे क्या करता है कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देता है जिसे डेल क्रेडिटरी कमीशन कहा जाता है। अब वो डेल क्रेडिटरी कमीशन जो उसको भेजेगा कि भाई तुम्हें एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा लेकिन अगर नुकसान हुआ तो वो नुकसान तुम खुद बर्दाश्त करोगे, मुझे पेमेंट तुमने पूरी करनी है। अब इसमें क्या ट्रीटमेंट होगी, अगर तो डेल क्रेडिटरी कमीशन उसको नहीं दिया गया और बैड डेट्स होते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगी, और अगर डेल क्रेडिटरी कमीशन उसको दिया गया है तो फिर आपके पास क्या आएगा, ये सारा हम यहाँ पे इस केस में देखेंगे। उसके बाद तीसरा है लॉस ऑफ स्टॉक, कि चीज़ों का नुकसान हो गया। अब लॉस ऑफ स्टॉक दो तरह का होगा, या तो नॉर्मल लॉस होगा या एबनॉर्मल लॉस होगा। नॉर्मल लॉस हुआ तो क्या उसकी ट्रीटमेंट होगी वो हम देखेंगे, और अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ तो उसकी हम देखेंगे क्या ट्रीटमेंट होती है। और आखिरी टॉपिक हमारा MCQs के हवाले से होगा, और इस तरह करके ये चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो जाता है। मुख्तसर मैं आपको इतना बता देता हूँ कि कंसाइनमेंट जो है वो चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना कंसाइनमेंट कहलाता है। इस किस पर्पज़ के लिए, उसको आगे आपने बेचना होता है। इसी तरीके से जो सेंड करने वाला होता है उसे कंसाइनर कहते हैं, यानी जो असल मालिक है वो कंसाइनर है, और जिसने चीज़ों को रिसीव किया जो उसका एजेंट है वो कंसाइनी कहलाता है। कंसाइनमेंट आउटवर्ड, जब कंसाइनर कंसाइनी को चीज़ें भेजेगा तो उसके लिए कंसाइनमेंट आउटवर्ड होगी, और जब कंसाइनी रिसीव करेगा तो कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसाइनमेंट इनवर्ड होगी। इस तरीके से अब ये भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा कंसाइनर, और कंसाइनी भी मेंटेन करेगा। जो कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेगा उसे कहेंगे कंसाइनमेंट आउटवर्ड, और जो कंसाइनी मेंटेन करेगा उसे कहेंगे कंसाइनमेंट इनवर्ड बुक या जर्नल। कंसाइनमेंट और सेल में फ़र्क क्या होता है, जब कंसाइनमेंट होती है तो उसमें जस्ट चीज़ों का ट्रांसफर होता है, जबकि सेल में ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है। इसमें मलकियत, कंसाइनमेंट में मलकियत ट्रांसफ़र नहीं होती, सेल में मलकियत ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी तरीके से जो कंसाइनमेंट आपके पास होगी उसमें प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है, जबकि सेल के अंदर आपका बायर और सेलर का रिलेशनशिप होता है। इसी तरीके से अगर सेल आप देखें तो उसमें जो बिल बना के देता है सेलर बायर को, उसे इनवॉइस कहते हैं, जबकि कंसाइनमेंट के केस में जो उसको मिलेगा उसको परफॉर्मा इनवॉइस कहते हैं। तीन मेजर डिफरेंस है। अकाउंट सेल कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है जिसमें वो बताता है कि इतनी चीज़ें मैंने बेच दी हैं, इतने मैंने एक्सपेंस किए हैं, इतना मैंने एडवांस दिया हुआ था, अब ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद ये तुम्हारा पैसा बचा है, अब कहते हो तो बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर देता हूँ, कहते हो तो आपको वैसे सेंड कर देता हूँ। तो ये अकाउंट सेल में वो अपनी सेल की डिटेल बताता है। परफॉर्मा इनवॉइस जो होती है ये कंसाइनर कंसाइनी को सेंड करता है जब वो चीज़ें भेजता है, जिसमें वो उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि क्या क्या चीज़ें भेज रहा हूँ, कितने यूनिट्स हैं, कितने की प्राइस है, वो उसकी डिटेल होगी। परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर कंसाइनी को सेंड करेगा, और अकाउंट सेल कंसाइनी कंसाइनर को सेंड करेगा। क्लोजिंग स्टॉक जो आखिर पर बच जाएगा, साल के आखिर पर जो बिकने से रह गया, उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। नॉर्मल स्टॉक जो ऐसा लॉस, नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस आपके पास जो कि होना ही होना है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको रोकना। जैसे पेट्रोल आता है तो पेट्रोल को जब डाला जाता है तो उसमें से कुछ इवेपोरेट होना है, उसका नुकसान होना ही होना है, उसको आप रोक नहीं सकते हो, इसे कहते हैं अनकंट्रोलेबल लॉस। तो जो अनकंट्रोलेबल लॉस होगा स्टॉक का वो नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक कहलाएगा, और जो आपकी किसी नेग्लिजेंस की वजह से लॉस होगा जिसको आप किसी हद तक कंट्रोल कर सकते थे उसे एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री बिल क्या होता है, बिल से मुराद बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल्कुल आप सही समझ गए कि बिल से मुराद बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन ये कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, डॉक्यूमेंट्री बिल, ये ऐसा बिल होता है जो कंसाइनर कंसाइनी पे ड्रॉ करता है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी से क्या मुराद है कि उसने चीजें उसको भेजी हैं तो उसको बिल ड्रॉ करेगा और साथ कहेगा भैया इतनी चीजें मैंने तुम्हें भेजी, अब उसके ऊपर क्या है कि इतना तो मुझे सिक्योरिटी जमा कराओ। अब सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो बिल ड्रॉ करेगा, कौन ड्रॉ करेगा, कंसाइनर ड्रॉ करेगा। किस पे करेगा, कंसाइनी पे करेगा। इसका मतलब जो ड्रॉ करता है वो रिसीवेबल की एंट्री पास करेगा, जिस पे ड्रॉ हुआ वो पेएबल की एंट्री पास करेगा, काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कमीशन के वाले से नॉर्मल कमीशन जो उसको मिलना ही मिलना है सेल के ऊपर। उसके बाद डेट क्रेडिटरी कमीशन, ऐसा कि अगर बैड डेट्स हुए भाई तो नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा, कंसाइनी बर्दाश्त करेगा, कंसाइनर को पैसे पूरे देगा, वो होगा डेट क्रेडिटरी। ओवरराइडिंग कमीशन होता है कि भाई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, कोई माइलस्टोन अचीव कर लो, ये टारगेट पूरा कर लो, तुम्हें और कमीशन दूंगा। अब ये जो एक्स्ट्रा कमीशन उसकी एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए दिया जाता है, एक सेल को मीट करने के लिए, टारगेट को मीट करने के लिए, उसे कहते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। अकाउंट्स का मैंने आपको बता दिया, कंसाइनर तीन अकाउंट्स बनाता है, कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और कंसाइनी का अकाउंट, और कंसाइनी एक ही अकाउंट बनाएगा कंसाइनर का अकाउंट। तो कुल मिला के पूरे चैप्टर के अंदर चार अकाउंट बनेंगे, कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनी और कंसाइनर। इन चार अकाउंट्स के ऊपर ये सारी गेम चलती है। उसके बाद एंट्रीज का वाले से है, मैं डिटेल में बताऊंगा इसकी, कंसाइनर की बुक में, कंसाइनी की बुक में। टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, MCQs डिस्कस करेंगे और चैप्टर फुली तौर पर एंड हो जाएगा।
ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने मुख्तसरन और शॉर्ट और बहुत जल्द तरीके से आपको बता दिया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया 10 मिनट के अंदर। यही कुछ है, लेकिन अब इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह लेके चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा और हम इसके ऊपर मज़ीद वीडियो बनाएं। और अगर तो वाकई ही आपको अच्छा लगा है तो आप वाकई इसको लाइक कीजिए और शेयर कर लीजिए। उससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा और अगली बार हम इसके ऊपर मज़ीद वीडियो जो है वो अपलोड कर पाएंगे। बस ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको वाकई अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी है तो इसको आप डिसलाइक कर लें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।